भाजपा से दूरी बनाई वसुंधरा राजे, भाजपा में मच गई खलबली। बता दें कि बीजेपी नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इस बार के लोकसभा चुनाव में कम सक्रिय नजर आ रही है। बीजेपी ने उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी वह पार्टी के लिए न ब्रेक ले रही है और न ही इसके लिए बराबर चुनाव प्रचार कर रही है। बता दें कि इन दिनों झालवाड़ा सीट से वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकार इसके लिए अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। सियासी जानकारों के लिए एक वर्ग का मानना है कि वसुंधरा राजे के चुनाव में कम सक्रियता और फायदा इसके सीधे तौर पर सीएम भजन लाल शर्मा को होने वाला है। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान में अपनी लीगेसी को बरकरार रखने के लिए है, क्योंकि पिछले दो चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने सभी सीटों पर कब्जा जमाया है। ऐसे में अगर बीजेपी इस बार के चुनाव में हैट्रिक लगाने में कामयाब नहीं हो पाती है तो इसका खामियाजा भजन लाल शर्मा को अपनी कुर्सी के तौर पर चुकानी पड़ सकती है। साथ ही इसका फायदा वसुंधरा राजे को मिल सकता है। जानकारों के मुताबिक वसुंधरा राजे गुट दबाव की राजनीति पर काम कर रही है, लेकिन अभी इस गुट की ओर से अभी अपने पत्ते नहीं खोल पाए हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस बार बीजेपी राज्य में हैट्रिक लगाने में चूक सकती है। बता दें कि कांग्रेस ने राज्य में 3 सीटों इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ दी है। अब देखा जाए तो राजस्थान में पहले चरण में 12 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बीकानेर, गंगानगर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, दौसा और नागौर सीट शामिल है। इन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश के सीएम भजन लाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री भी सभी सीटों पर प्रचार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे चुनाव से दूरी बना रही है। इसके लिए बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और बीजेपी को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो सकता है। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं को तो कर सकते हैं।